जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। तो जी आज है यहाँ पे सैटरडे और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 4। और आप लोग वेदर देख सकते हैं कितना कोई खूबसूरत वेदर है। आप लोग कहते होंगे हमेशा वेदर ही दिखाती रहती यार, यहाँ का टॉरेंस का जो वेदर है ना, ओ माय गॉड, इतना कोई अच्छा वेदर है कि रोज़ों का एंड होने वाला है ऑलमोस्ट, और अभी तक गर्मियाँ नहीं आई यहाँ पे ना, और इतनी ज़्यादा सर्दी है कि देखिए मैंने इतना मोटा ये 2-पीस सेट पहना हुआ है, साथ मैंने जैकेट भी ली हुई है और शेजल को भी हमने फुल कवर किया हुआ है। तो आज हम लोग जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए। लेट्स सी क्या क्या शॉपिंग करते हैं, और शेजल की भी कुछ शॉपिंग करनी है, अपने भी कुछ शूज़ वगैरह लेने हैं, क्योंकि ड्रेस तो मैंने ऑलरेडी पाकिस्तान से ऑर्डर करके मंगवा लिए थे। और अभी बारिश हो रही है यहाँ पर, ये वेदर देखें, और शेजल बैठ रही है गाड़ी में, देखें गाड़ी में बैठ कर, ये देखें बारिश हो रही है, तो जी बस ये हम निकलने लगे हैं। अब देखते हैं कहाँ जाते हैं सबसे पहले और किसकी शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। अभी ईद में काफ़ी टाइम है तो हमने सोचा थोड़ी थोड़ी शॉपिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सो आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो रहिए मेरे साथ, स्टे कनेक्टेड। तो गाइस सबसे पहले हम लोग आ गए हैं कार्टर से, यहाँ से हम लेंगे शेजल के कपड़े, और यहाँ में ही मैं ज़्यादातर शेजल के कपड़े यहाँ से लेती हूँ। तो अंदर चलते हैं। हाय, सो अब यहाँ से देखना पसंद करते हैं शेजल के कपड़े, बहुत सारे कपड़े होते हैं, वो शेजल को देखें। हाय, तो अब यहाँ से शॉपिंग स्टार्ट करते हैं, शेजल के कपड़े लेते हैं, बिकॉज मुझे गर्मियों के भी लेने हैं और मिक्स से भी लेने हैं, और अगर कोई प्यारा सा पसंद आया तो ईद के भी लेने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एक हमें ये शेजल के लिए पसंद आ रहा है, इसका स्टफ़ इतना को सॉफ्ट और इतना मज़े का है, और एक ये मुझे इसमें ये जो कलर है ना, ये वाला एक ये मुझे पसंद आ रहा है, मतलब घर में रेगुलर पहनने के लिए, ईद पे ना बच्चे फ्रॉक्स वगैरह पहन के थोड़ा एक मतलब तंग हो जाते हैं। और अभी और देख रहे हैं हम लोग, मैं लेके आती हूँ शेजल को, देखें आप यहाँ पे वो अपने खिलौनों से खेलने लगी हुई है। तो मैं यहाँ से पकड़ती हूँ ट्रॉली जिसमें हम अपने डालेंगे कपड़े, एंड हियर वी गो। ओके, आप इसको निकाल लेना इसको। गाइस ये देखिए लड़कियों के इतनी अच्छी ऑफर लगी हुई है, छोटी छोटी बच्चियों की भी स्पैगेटीज़ होती हैं, इतनी भी खूबसूरत हैं, और इनमें से भी मैं शेजल के लिए कुछ लेती हूँ ईद पे पहनने के लिए, लाइक इतनी सॉफ्ट और कितनी क्यूट है, बहुत प्यारी हैं ये, इनमें से भी मैं कुछ लेती हूँ इसके लिए। और नीचे भी सारे पेयर्स लगे हुए हैं जो कि टी शर्ट्स हैं, और मैडम अपने लिए खुद पसंद कर रही हैं। अच्छा गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी शेजल के लिए कपड़े चूज़ किए हैं। ओके, सो फर्स्ट है ये ऑरेंज वाला, ये एक फ्रॉक है, इसके साथ नीचे टाइट्स भी हैं। एक ये है रेड कलर का, इसके नीचे भी सारे टाइट्स हैं। एक ये है येलो वाला, एक ये है इसके साथ ब्लू कलर की नीचे निकर है, और एक ये है ब्लू वाला। इसके अलावा हमने इसके लिए शेजल के लिए, यस यस, उसके अलावा हमने शेजल के लिए एक ये ग्लासेस लिए। अब इसका बिल करवाते हैं और चलते हैं। इसको रखते हैं इधर, और जी हम निकलेंगे बाहर, और बाहर का वेदर मैं आपको दिखाती हूँ। ओ माई गॉड, वो बारिश हो रही है, और आ जाओ, और ये आ गई शेजल मैडम भी बाहर। मैडम की शॉपिंग हो गई है, अब बारी आती है मेरे शूज़ की, बिकॉज मुझे कपड़े वगैरह तो नहीं लेने हैं, लेकिन मुझे शूज़ लाजमी लेने हैं पहनने के लिए। तो अब चलते हैं और देखें। ये देखें गाइस, मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे इस तरह की कुछ चमकने वाली चीज़ नज़र आए ना, मैं सबसे पहले उसको ही पकड़ती हूँ और देखती हूँ कि ये क्या है। और 6 है ये, मुझे 9 आएगा, 9 मेरी रोम में जाते हैं, बिकॉज मैं कहीं भी चली जाऊँ ना, मुझे मेरे साइज़ के जूते मिलना इट्स लाइक इम्पॉसिबल। अमीन 9 से बड़ा कोई यहाँ पे पढ़ा ही नहीं हुआ, और आई थिंक मुझे 9.5 आएगा। लेट्स सी, ये देखें, या आई थिंक मुझे 9.5 ही आएगा। ओह माय गॉडनेस गाइस, अभी हम
टीजे मैक्स आए थे, मार्शल्स आए थे, वहाँ से मैंने ये दो फ्रॉक्स और ले लिए हैं शेजली के लिए, मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे। अब फिर लाइन में लगी हुई हूँ, यहाँ से बिल करवाते हैं एंड देन लेट्स सी नेक्स्ट जगह कौन से जाते हैं। देखें कितने के खूबसूरत खूबसूरत कप हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने बनाए हुए हैं यहाँ पे कप्स। गाइस ये देखिए, ये जो रोड है ना मुझे इतनी कोई खूबसूरत लगती है ना, मैं हमेशा अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि यार इस रोड पे ना मैंने ना ईद पे आना है और प्यारा सा शूट करना है, लाइक रोड पे नहीं, ये जो साइड पे सारा सारे ट्रीज हैं सारे एक जैसे हैं, मुझे ये जगह बहुत खूबसूरत लगती है। और आप लोग वेदर देख सकते हैं उस हिसाब से तो बहुत ही कोई खूबसूरत लग रहा है। अभी हम लोगों ने आधी शॉपिंग की है, शेजली की किया, अपना कुछ भी नहीं लिया और अब हम घर जा रहे हैं बिकॉज अब शेजली को थोड़ी सी भूख लग गई है तो उसको घर जाकर थोड़ा रेस्ट करवाएंगे, फिर आगे का प्लान आपके साथ शेयर करेंगे। ये जी अभी हम घर आए हैं तो घर के बाहर पार्सल पड़े हुए हैं, इसको उठाते हैं जी, अब अंदर लेके जाते हैं। चलें जी, क्या क्या है बाद में देखते हैं इसके अंदर। ओह माय गॉड। उसके बाद गाइज हम लोग अफ्तार करने के लिए मस्जिद में गए और वहाँ पे मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स रिकॉर्ड किए आप लोगों के लिए ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि यहाँ पे इफ्तारी कैसी होती है। तो ये है अंदर से मस्जिद का कुछ व्यू, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों अलाउ होते हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक सेटअप लगाया हुआ था जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इफ्तार दी जाती है और ये बहुत सारे टेबल्स लगे हुए हैं और ऑलमोस्ट फुल था और काफ़ी कुछ होता है खाने में। और क्योंकि आज बारिश थी तो रश कुछ कम था, लेकिन आम डेज़ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और मौसम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। ये मस्जिद के बाहर इन्होंने एक कैंप लगाया हुआ है जहाँ पे टेबल्स वगैरह सब कुछ उन्होंने सेटअप किया हुआ है, जहाँ पे जो मर्ज़ी आ सकता है, पूरी फैमिली लेके आ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट इफ्तार कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी किस्म के खाने थे, उनमें वो खुद सर्व करके दे रहे होते हैं, आप जितना मर्ज़ी डलवा सकते हैं और वहाँ बैठ के खा सकते हैं। सो मुझे ये इनकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अपनी लाइफ में ना, पूरी लाइफ में इतनी तेज़ बारिश नहीं देखी, आई मीन लिटरली मुझे खौफ आ रहा है कि यार इतनी तेज़ बारिश। और हम लोग जा रहे हैं बाहर कुछ खाने के लिए, मैं और शेजल यहाँ पे खड़े हुए हैं और अब हम लोग सोच रहे हैं कि गाड़ी तक कैसे जाए, अब इसके बाबा जाने लगे हैं तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है, इन्होंने जाते ही वहाँ पे गीला हो जाना है। सो देखते हैं टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं कि बैठ गए। अब जी हम लोगों ने बैठना है और हम माँ बेटी अब बैठेंगे और शेजल पूरा भालू बना हुआ है और शेजल पोइम भी पढ़ रहा है, अब ये गाड़ी हमारे पास तक आएगी। हम लोग इस टाइम शेड के नीचे खड़े हुए हैं तो फिर हम लोग बैठेंगे। आई मीन बहुत ज़्यादा तूफानी बारिश हो रही है लेकिन हम जा रहे हैं बर्गर खाने। देखें कितनी तेज़ बारिश हो रही है, आपने कभी अपनी लाइफ में इतनी तेज़ बारिश देखी है? आई मीन व्हाट इज दिस, मुझे खाना है बर्गर और मेरे हस्बैंड ने कहा जो तुम कहो चलते हैं बर्गर खाने। हमारा वाइपर जो है वो पागल हो चुका है, इतनी कोई तेज़ बारिश हो रही है और हम लोग ये सारा पानी उड़ाते जा रहे हैं साइडों से क्योंकि रोड्स पे हल्का हल्का पानी खड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे ये सीन नहीं है, सुबह जैसी ही होगी तो पानी नज़र भी नहीं आ रहा कि पानी गया कहाँ पे। सो थोड़ा सा सुकून हुआ है अब दोबारा से। चलो जी पहुंच के भी मिलते हैं आपसे। अब हम लोग आ गए हैं डेव्स हॉट चिकन, यहाँ से मैं अपना ऑर्डर लूँगी और लेट्स सी मैं क्या ऑर्डर करने वाली हूँ। अभी से फ़िलहाल मैं लाइन में लगी हुई हूँ और ऑर्डर लेने के बाद आपको दिखाती हूँ, ये रेस्टोरेंट का भी थोड़ा सा टूर करवा देती हूँ आपको, अभी इनके बाद मेरी बारी है। सो बहुत भूख लगी है मुझे। ये देखें ये कितना कोई खूबसूरत उन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है और यहाँ पर हलाल बर्गर मिलता है। सो हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं और अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं और यहाँ पे ये सिस्टम होता है कि ये देते हैं जब इस पर वाइब्रेशन होती है इसलिए हमारा ऑर्डर रेडी होता है, तो बस हम बैठे हुए हैं और ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। इतना कलरफुल और बड़ा मज़े का इन्होंने ये सारा बनाया हुआ है लेकिन ये छोटा सेटअप, बहुत थोड़ी सीटिंग है, हमने वेट किया उसके बाद। आइज मेरा बर्गर विद चिकन पीस विद फ्राइज विद ड्रिंक। वेट 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 अब जी मैं खाने लगी हूँ, ये पिकल्स है इसके साथ ही नीचे सॉस भी है।
लेट्स गो। क्या पहन ले मेरा बेटा। चले जी अब हम लोग जा रहे हैं घर और बाहर दोबारा से बारिश हो रही है तो आप मैं कहती हूँ आप गाड़ी यहाँ ले आते फिर हम चलते। एक मिनट आप तो हम बाहर आ गए रुक जाओ आप। देखिए जी अब हम लोग घर पहुँच गए हमेशा की तरह ये दरार लोग है और ये देखिए जी शेजल मैडम को आप देखिए। हाय शेजल। चले जी अब हम जा रहे हैं ऊपर। अच्छा जी तो गाइज अब मैं घर आ गई हूँ और जो पीआरज आए थे वो मैं आज के आपको दिखा देती हूँ। दो शूज़ आए थे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से शूज़ आए थे और एक बहुत ही प्यारा सा टॉप आया था सबसे पहले मैं वो दिखा देती हूँ। सो ये एक अमेरिकन फ्लैग का एक टॉप आया था एक सिंपल सी एक यू नो व्हाट सिंपल सी जैकेट टाइप आई थी कि मैं साथ अटैच कर रही हूँ और शूज हेडफोन्स आए थे आज जो कि मुझे पीआर में आए थे बहुत ही खूबसूरत से मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे और ये दो पेयर मुझे शूज़ के रिसीव हुए थे मैं एक ओपन करके दिखा देती हूँ। इसमें ये शूज़ हैं दोनों सेम हैं एक ब्लैक में है और एक वाइट में है दोनों सेम हैं। तो जी पूरा दिन मैंने व्लॉग बनाया पूरा दिन मैंने आपके साथ शेयर किया कि हमने क्या क्या किया है। मस्जिद में भी हम लोग गए थे इफ्तार करने के लिए और उसके बाद मैंने सोचा वो भी आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करें। ओके टेक केयर हाफिज़।